नमस्कार, जन्नत की पुकार में आप सबका स्वागत है। मोतिहारी केसरिया में पहुंचे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। मोतिहारी केसरिया में पहुंचे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि बाबा साहेब की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, उनकी मृत्यु कहीं ना कहीं साजिश के तहत हुई। बाबा साहेब चाहते थे कि दलितों को उनका अधिकार मिले। पूर्व मुख्यमंत्री रविवार को SC ST कर्मचारी संघ द्वारा केसरिया प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम मूल निवासी हैं, बाहर के लोग आकर हम पर शासन कर रहे हैं। जिस दिन हमारे समाज के युवा समझ जाएंगे उसी दिन हमारी सरकार होगी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए कहा कि बिहार में सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है सबको पता है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं करता, परंतु उन्होंने दिल्ली में जो शिक्षा प्रणाली लागू की है वह बेहतर है, जिसके कारण आज दिल्ली में निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी विद्यालयों की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमें आर्थिक व सामाजिक आज़ादी नहीं मिली है, इसके लिए हमें डबल मतदाता अधिकार, समान शिक्षा, न्यायपालिका व निजी क्षेत्र में आरक्षण सहित अन्य मूल अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी होगी। इससे पूर्व प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थापित बाबा साहेब की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण कर नमन किया। उसी क्रम में केसरिया विधानसभा के राजद के पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश कुमार ने केसरिया बौद्ध स्तूप के रुके हुए विकास का पोल खोल दिया और पूर्वी चंपारण के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए बोले कि 12 करोड़ रुपए की लागत से केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास होना था, लेकिन मंत्री के कारण यह नहीं हो पाया। आशा रखते हैं कि बाबा आप जहाँ भी हो, आपने जो किया इस धरती पर, इस हिंदुस्तान में, आपके वृद्धस्त उसी तरह से रहे, ताकि आपके अनुयायी जो आज यहाँ हैं या न भी अनुयायी हैं, आपके बातों से प्रेरित हैं, उनको बल मिले कि अपने खिलाफ होने वाले अन्याय अत्याचारों को वो आगे कैरी आउट करें, ले चले, ताकि समस्याओं का निदान उनसे हो सके। तो फिर पुनः पुनः हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में अपनी शीश को नवाते हैं और लाख लाख श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाइयों बहनों, बहुत देर से बातें हो रही है और हम भी 1 घंटा विलम्ब से आए हैं। हमारे सामने कुछ मुसीबत आ खड़ी है। अब मुसीबत इस रूप में कि हमारे बहुत से साथियों ने केसरिया स्तूप और हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के संदर्भ में और पूर्वी चंपारण से संबंधित कुछ समस्याओं को हमारे सामने रखने का काम किया है, शायद इस अपेक्षा के साथ कि हम उसको उनको पूरा कर सकते हैं। तो इस बात पर हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, आपकी सारी बातों को हमने सुनी है और हम अपने प्राइवेट असिस्टेंट से लिपिबद्ध भी कराया है और हम ये कहना चाहते हैं कि वे सारी समस्याएं ऐसी हैं जो सामान्य रूप हैं अगर केसरिया स्तूप को छोड़ करके देखें तो इसलिए इस पर हम विशेष नहीं कह करके सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि इस पर हमारा ध्यान है। रही बात अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।